हेलो सर, आज हम जनरल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड यूनिट आज स्टार्ट होगी हमारी। अब वो है डीसी सर्किट्स थ्योरम। डीसी सर्किट के बारे में जो थे हम पहले पढ़ चुके थे, अब जो डीसी सर्किट थ्योरम्स है ना उसमें मास वैसे जो सिलेबस है उसमें हम देखो दिखाते हैं कि सिलेबस में आपका क्या क्या है। जो सिलेबस है आपका यूनिट सेकंड का उसमें है उसमें आपका फर्स्ट है थेवेनिन थ्योरम। सेकंड है नॉर्टन थ्योरम। थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ नेटवर्क थ्योरम इन सॉल्विंग डीसी सर्किट प्रॉब्लम। एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल्स आपको करने पड़ेंगे। नेटवर्क थ्योरम्स यही है थेवेनिन नॉर्टन। वैसे सुपरपोजिशन और मैक्सिमम पावर भी, लेकिन आपके में है नहीं है सिलेबस में, तो हम वो पढ़ाएंगे भी नहीं। क्लियर? इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम कराएंगे। तो ये तीन टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़ी यूनिट नहीं, छोटी यूनिट है, हम इसको जल्दी से कवर करेंगे। और आज हम जो थेवेनिन थ्योरम है इसका जो परिभाषा है, स्टेटमेंट है, उसको हम थोड़ा लिखवा देंगे। थेवेनिन थ्योरम फिर में या थ्योरम सही है। तो इसका जो स्टेटमेंट है, परिभाषा है, तो डेफिनेशन भी बोलोगे और हम स्टेटमेंट ही बोल सकते हैं। किसी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क नेटवर्क को बड़े ध्यान से धीरे धीरे पढ़ना को, जिसमें लीनियर प्रतिबाधाएं हमने पढ़ा था, लीनियर नॉन लीनियर, जिसमें लीनियर प्रतिबाधाएं लीनियर प्रतिबाधाएं तथा अनेक ऊर्जा प्रतिबाधाएं मतलब इम्पीडेंस, इम्पीडेंस मतलब जेड, और वैसे जेड बराबर होता आर प्लस जे एक्सएल, जे एक्स मतलब एक्स बराबर एक्सएल डिफरेंस एक्स ही होता है। प्रतिबाधाएं तथा अनेक ऊर्जा स्रोत एनर्जी सोर्स, ऊर्जा स्रोत संयोजित हो किसी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क को, जिसमें लीनियर प्रतिबाधाएं तथा अनेक ऊर्जा स्रोत संयोजित हो को
एक ऐसे समतुल्य को एक ऐसे समतुल्य परिपथ द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है जा सकता है जिसमें एक वोल्टेज स्रोत VFTH वोल्टेज स्रोत ऑफ थेवेनिन तथा एक श्रेणी में प्रतिरोध या प्रतिबाधा या प्रतिरोध RTH और प्रतिबाधा ZTH संयोजित हो जहां संयुक्त वोल्टेज हो सही है जहां संयोजित वोल्टेज VTH का मान VTH का मान नेटवर्क के उन दो टर्मिनलों पर के उन दो टर्मिनल पर टर्मिनल पर खुला परपथ जो मेरे पीछे आ रहा है ना ये मैं बोल रहा हूँ सही है खुला परपथ वोल्टेज वोल्टेज VTH खुला परपथ वोल्टेज मतलब कि कह सकते हैं ये ओपन सर्किट वोल्टेज तथा प्रतिबाधा ZTH नेटवर्क के उन दो टर्मिनलों पर उन दो टर्मिनलों पर से नेटवर्क के अंदर देखने पर प्राप्त नेटवर्क से
नेटवर्क के अंदर देखने पर प्राप्त प्रतिपादा के तुल्य है, कुल मतलब इक्विवेलेंट है, सही। जबकि नेटवर्क के अंदर सभी वोल्टेज स्रोत उनकी आंतरिक प्रतिबाधा द्वारा फिर से स्थापित कर दिए गए। ये आपका थेवेनिन का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि किसी दो टर्मिनल वाले नेटवर्क जिसमें दो टर्मिनलों को एक को जिसमें लीनियर प्रतिबाधा हो, जिसके अंदर क्या हो, एक लीनियर प्रतिबाधा हो, मतलब जेड जिसमें आर एन सी जो भी हो, तथा उनके ऊर्जा स्रोत से तथा अनेक ऊर्जा स्रोत, मतलब उसमें रेजिस्टेंस या फिर इम्पीडेंस हो और एनर्जी सोर्स चाहे वो करंट सोर्स हो या फिर वोल्टेज सोर्स हो, को एक ऐसे समतुल्य नेटवर्क द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, उसको क्या करें एक ऐसे नेटवर्क में बदल देते हैं जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स होता है और एक श्रेणी में रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है, उन्हें बदल देते हैं। और जो वोल्टेज सोर्स होता है VTH वो उन दो टर्मिनलों पे प्राप्त ओपन सर्किट वोल्टेज होता है, सही है। और जो RTH होता है वो उन दो टर्मिनलों के टर्मिनल हैं उन्हें नेटवर्क के अंदर देखने पर प्राप्त नेटवर्क के अंदर से जो प्रतिबाधा है ना उसके तुल्य होता है, मतलब कि जो समतुल्य होता है, जो रेजिस्टेंस है या वो कह सकते हैं इम्पीडेंस है, वो टोटल जो इक्विवेलेंट जो ओपन टर्मिनल है उसकी तरफ से अगर हम देखेंगे तो टोटल इम्पीडेंस कितना होता है वो उसके इक्विवेलेंट होता है, सही है। और जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है उनके, या फिर एनर्जी सोर्स हैं उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के थ्रू क्या कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। और इसका एक सर्किट जो बनेगा वो आप देखो, वो लीनियर नेटवर्क है, यहाँ पे, और ये उसका टर्मिनल है और ये उसका लोड लोड कैसा है RL, यहाँ पे ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये इसमें करंट I ऑफ L मतलब लोड की करंट जा रही है। अब ये कोई नेटवर्क है, लीनियर नेटवर्क कैसा है, लीनियर नेटवर्क है कंटेनिंग एनर्जी सोर्स एंड रेजिस्टेंस ब्रैकेट में लिख लो इम्पीडेंस। इसको किस में बदल देते हैं, इक्विवेलेंट, ये नॉर्मल सर्किट है उसको थेवेनिन में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि ये जितना भी सारा सब कुछ है ना
इसको किसके थ्रू बदल देंगे? एक तो वोल्टेज सोर्स जिसको बोलेंगे BTH, इसके श्रेणी में एक रेजिस्टेंस होगा इंपीडेंस जिसको बोलेंगे RTH, सही है। इसके अकॉर्डिंग ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, यहां तक का हो गया काम खत्म। आगे आपका आ गया ये लोड का आर ऑफ एल और यहाँ करंट आई ऑफ एल। तो ये जो सर्किट है जितना हम डैश में डॉटेड लाइन में कर रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, ये आपका थेवेनिन सर्किट हो गया। क्या हो गया? थेवेनिन सर्किट। और थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग, सही है, थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखो ये हमने कहा ना, ये क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज है। ओपन सर्किट वोल्टेज, ये ओपन सर्किट वोल्टेज कैसे है कि ये जो सर्किट है ना, इसको अगर हम ओपन कर दें, इसको रिमूव कर दें, तो ये ऐसे ही तो हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे जितना भी इस टर्मिनल में है, ये वोल्टेज है यहाँ पे, मतलब ये सेम है, कैसा है, लीनियर नेटवर्क है, एनर्जी सोर्स है और रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या होगा, बीटीएच होगा, और हमारा आरटीएच क्या होगा, सेम इसी को देखेंगे, लीनियर नेटवर्क होगा, एनर्जी सोर्स होंगे और होगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ इस पॉइंट ए और बी टर्मिनल पे जो यहाँ से इसको ओपन सर्किट से जितना भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस होगा आरटीएच, रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन और वोल्टेज ऑफ थेवेनिन, जिसे ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं, इसको थेवेनिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। क्लियर। अब हम इसको थोड़ा आगे देखते हैं, इसके कुछ स्टेप हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर हमें करंट निकालनी होगी, ये आईएल करंट कितनी होगी, ये जो आईएल करंट है ये कितनी होगी, बताओ, ये आपका आई ओम्स लॉ लगाओ, आईएल बराबर होगा बीटीएच टोटल वोल्टेज यहाँ पे यही है, प्लस ये टोटल लोड कितना हो गया, आरटीएच प्लस आरएल ना, ये आपकी इस, ये क्लोज सर्किट है ना, इस सर्किट में इतनी करंट होगी। अब कुछ स्टेप है, इसको कोई भी मतलब कि क्वेश्चन है थेवेनिन का, उसके लिए करने के लिए कुछ स्टेप है। अब जो थेवेनिन तुल्य परिपथ या सर्किट को ज्ञात करने के लिए, निम्न स्टेप्स फॉलो करें। पहला स्टेप है, जिन दो बिंदुओं ए बी के मध्य थेवेनिन ज्ञात करना है, पहला ध्यान रखना, जिन दो बिंदुओं, दो बिंदु कौन से, ये वाले, सही है, ये और ये, जिन दो बिंदुओं बिंदुओं
ए बी के बाद ए ब बी के मध्य थेवेनिन तुल्य ज्ञात करना है। हाँ उसकी ब्रांच ब्रांच प्रतिपादा मतलब कि प्रतिपादा और प्रतिपादा में क्या होगा सामान आरएल या जेडएल। जेडएल को हटा दें को हटा दें मतलब ये जो आपका सर्किट था यहाँ से ऐसे करके पॉइंट ए बी इनके ये आईएल करंट थी और यहाँ पे ये प्रतिबाधा थी कौन आरएल थी ना इस चीज को हटा दें और हटाने के बाद कैसा सर्किट बन जाएगा आपका सर्किट हो जाएगा ऐसा। यहाँ पे पॉइंट ए होगा और यहाँ पे पॉइंट होगा आपका बी। ये पूरा लीनियर नेटवर्क होगा ये भी क्या होगा लीनियर नेटवर्क है सही है। ये कर ले पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा इस ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट करें। इस ओपन सर्किट वोल्टेज को कैलकुलेट करें या ज्ञात करें। अब कैसे करें किरचॉफ के नियमों की सहायता से किससे किरचॉफ के ब्रैकेट में लिख लो किरचॉफ के नियमों की सहायता से। अब किरचॉफ के नियम कौन से थे केबीएल और केसीएल सही है इनकी सहायता से ज्ञात करना है और जो वोल्टेज आप मतलब कि ओपन सर्किट वोल्टेज ज्ञात करोगे कहां पे इस सर्किट पे ओपन सर्किट ये दोनों ओपन सर्किट है ए बी टर्मिनल क्या है ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब बी ए बी इन दोनों के बीच की तो वोल्टेज है बी और ए की भी इसको ज्ञात कर लें सही है और इसको बीटीएच के रूप में लिख लें बीटीएच के रूप में नोट कर लें या लिख लें सही है मतलब कि बी ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब बी ए बी बराबर बी टी एच सही है जो भी हो उतने वोल्ट आप इसको लिख लें। तीसरा स्टेप है अब सब एनर्जी सोर्सेस को निष्क्रिय अब सब एनर्जी सोर्सेस को निष्क्रिय इन ऑपरेटिव करते हुए टर्मिनल ए बी के मध्य ए और बी के मध्य प्रतिबाधा डीसी के केस में प्रतिरोध ज्ञात करें। प्रतिबाधा ज्ञात करें और डीसी होगी तो रेजिस्टेंस आरटीएच ज्ञात करें सही है। इसी मतलब सर्किट पे क्या करना है आपको टोटल इक्विवेलेंट आरटीएच निकालना होगा सही है।
जब ये निकाल लेंगे आप लोग, तो चौथा स्टेप क्या होगा, लोड प्रतिरोध जो सबसे पहले हटा दिया था, लोड प्रतिरोध आरएल में प्रवाहित धारा आईएल की गणना करेंगे किससे करेंगे, उसका सूत्र क्या है, सूत्र होगा आईएल बराबर वोल्टेज ऑफ थेवेनिन अपॉन वोल्टेज रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन प्लस रेजिस्टेंस ऑफ लोड। इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, आई को निकाल लेंगे, इतने एम्पियर होगी, सही है। फिर इन सारी चीजों को निकालने के बाद फिर एक सर्किट बनाएंगे जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा, एक रेजिस्टेंस होगा और एक लोड रेजिस्टेंस होगा, और ये टर्मिनल होंगे ए बी, लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल होगा, इसमें एक करंट फ्लो हो रही होगी आईएल जो टोटल आई के बराबर होगी, कितने एम्पियर वो अभी फाइंड आउट की, यहाँ होगा रेजिस्टेंस ऑफ थेवेनिन और यहाँ पे होगा वोल्टेज ऑफ थेवेनिन, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे और यही आपका थेवेनिन सर्किट बन गया, सही है। ये पांच स्टेप में, चार में वो था, पांचवें स्टेप में आप इसको रिप्लेस कर देंगे, इसको बना देंगे, तो आपका ये थेवेनिन सर्किट बन जाएगा, सही है। अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन है थेवेनिन थ्योरम की सहायता से सहायता से चित्र में प्रदर्शित परिपथ के दस ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें, सही है। थेवेनिन प्रमेय की सहायता से चित्र में प्रदर्शित परिपथ के 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करें। अब आपका जो चित्र है वो मैं बना दे रहा हूं, एक वोल्टेज सोर्स है इसमें, एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पे टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है, एक और है रेजिस्टेंस और एक वोल्टेज सोर्स और है। तो ये वोल्टेज सोर्स कितने है, 6 वोल्ट का है, ये रेजिस्टेंस 2 ओम का है और ये 10 ओम का है। अभी इसी के बारे में पूछा है, यहाँ इसमें ही करंट आपको निकालना है, ये आपका 3 ओम है और ये कितने वोल्टेज का है, 4 वोल्ट का है। ये सर्किट है, आपको इसमें करंट निकालनी है कहां पे, ये इस ब्रांच में करंट आई निकालना है आपको, सही है, आई ऑफ 10 कह सकते हो। अब ये आपको थेवेनिन प्रमेय के साथ, थेवेनिन प्रमेय जब आप करोगे तो आपको वो सर्किट बनाना पड़ेगा ना,
ऐसा सर्किट जिसमें BTH हो, टोटल एक रेजिस्टेंस हो जिसे RTH बोलेंगे, है ना, और एक लोड रेजिस्टेंस हो RL, और यहाँ पे I। तो ये जो RL है ना, इसी में पूछा है ये वाला। तो इस सर्किट को पहले तो इस सर्किट में रिप्लेस करोगे आप, इसमें रिप्लेस करोगे, फिर इसकी जो करंट IL है ना वो निकालोगे, यही करंट धारा का मान पूछा है। क्लियर? तो इसको आप लोगों को करना पड़ेगा क्वेश्चन को। वैसे नेक्स्ट क्लास में, आज क्लास में इतना ही रखेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें न्यूमेरिकल होंगे, थेवनिन पे जितने भी बेस्ड हैं वो सारे न्यूमेरिकल हम कराएंगे। क्लियर?